हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका केएस इंजीनियरिंग वर्क्स में। तो दोस्तों, ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये टेनीटेक गुजरात की मशीन है, जिसको हम ठीक करने के लिए आए हैं चंडीगढ़ से कुछ किलोमीटर पीछे जिराकपुर में। तो यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है और इनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है, क्यों ये खुद का मटेरियल पीसते हैं और तेल की सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, दिक्कत यह है मशीन में कि ये कचरा ज़्यादा मार रही है, प्लस इसका जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हुआ हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और इनकी मशीन ये खोल के हम देख रहे हैं। तो खोल के हमने पहले इसको चला के देखा कि भाई क्या क्या दिक्कत है, फिर इसके बाद हम इसकी चैम्बर की बंधाई करते हैं और थोड़ा बहुत बर्मों में जो कमी था वो पूरा किए। तो दोस्तों, मशीन में इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत आदमियों को परेशानी हो रही है मशीन चलाने में या मशीन का रिपेयरिंग करवाने में। अब ये भी कह रहे थे कि भाई मशीन में बहुत दिक्कत आती है हमें, इनको आज 6 महीने हो गया लगाए हुए, 6 महीने से ये इनको चैम्बर की दिक्कत सबसे ज़्यादा थी, प्लस इनका जो कैपेसिटी था वो बहुत कम था। तो ये सारा काम हमने इस वीडियो में ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ट्राईपॉड वगैरह लेकर नहीं गए थे इसके वजह से, और अकेला गया था इसके वजह से मैं इसकी वीडियो पूरी बना नहीं पाया। जितना हो सका उतना मैंने इसमें कवर किया है। तो दोस्तों, इस मशीन में दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका चैम्बर कभी फुल टाइट होता ही नहीं है, फुल टाइट करना पड़ता है इसको बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, क्यों इसमें जो है जैसे अपनी बोल्ट वाली मशीनें हैं उनमें चैम्बरों में साइड पत्ती जो छुरी लगती हैं साइड में, उनसे उसका मेकअप हो जाता है कि भाई मोटी पतली लगा दो, मेकअप हो गया। लेकिन इसमें जो है वो सिस्टम नहीं है। एक तो नंबर एक ये दिक्कत है। नंबर दो जो इसकी दिक्कत है, ये जो आप इसके हैंडल देख रहे हैं, जो दाब लगाने वाला सिस्टम है, ये अगर बाई चांस इसके हैंडल हिलते रहता है ये, तो हैंडल पे जोर पड़ता रहता है तो ये टूटने का खतरा या चूड़ी ख़राब हो जाती है, उस चीज़ का ख़तरा रहता है, जिससे कि भाई फिर कभी जो दाब लगाना हो तो उस टाइम पे ये दिक्कत करती है। और इसकी जो प्रॉब्लम है कि भाई केतली जो माल इसका गिरती है, केतली इतनी बड़ी दे दी है इसमें, ये जो माल गिरती है ना तो बहुत स्लो में गिरती है, स्लो माल गिरने की वजह से माल अटक जाता है। तो दोस्तों, वैसे मशीन में तो बहुत सारी कमी है, लेकिन आपको बताएं क्या, लेकिन लास्ट में हमने इसको चलाया चालू करके बढ़िया से, इसका जो हमने काम किया तो बहुत बढ़िया मशीन चली। अभी आप देख रहे हैं, अभी पीली सरसम चला रहे हैं इसके अंदर, और सरसम में पानी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसके वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, माल अभी गिरा नहीं है, पानी गिर रहे हैं जब तक। तो दोस्तों, ये बहुत परेशान थे इन्होंने, यानी कि हमें फिटिंग के लिए ही बुलाया था, लेकिन हम जा नहीं पाए उस टाइम पे, हमारे पास भी काम बहुत सारा था। तो हम अब गए कुछ दिन पहले, तो ये वीडियो बना के लाए वहाँ से थोड़ा बहुत। और मशीन में इसमें ये जैसे कस्टमर का माल आ गया उसके लिए तो बढ़िया है कि भाई कस्टमर का माल चलाओ, निकालो तेल और दे दो। जैसे खुद के लिए, खुद का जो काम करते हैं कि भाई खुद की सरसम पीड़नी हो, कमर्शियल काम में लेना हो, तो उस मशीन में इतना कामयाबी हासिल नहीं है इस मशीन पे, क्यों छोटी सी मशीन है, आदमी तो वही छोटा देख के ले लेता है मशीन, लेकिन बाद में दिक्कत होती है। तो आप लोगों की मशीनें कैसे चलती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो आप हमें बताएं कमेंट में। अब इसमें तेल आना शुरू हो गया है धीरे धीरे, तो ये तेल का रफ्तार अभी और बढ़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबाएं। और इन्होंने ये एक चीज़ बहुत बढ़िया बना रखी है, ये जो खोर है बहुत बढ़िया खोर है, इसमें माल इधर उधर नहीं फैलता कहीं पे। अब आम लोग जैसे कि नीचे तासला लगा देते हैं, वो माल थोड़ा बहुत भर गया तो वो साइड में बिखर जाता है, फिर नीचे फर्श गंदा होता है, तो ये बढ़िया चीज़ है।
तो दोस्तों अगर आपको मशीन लेने का राय हो कमर्शियल काम में तो बोल्ट वाली लें, जिसमें आपको सुविधा रहे हर चीज़ का। बाकी इसमें इतना सुविधा मेरे को लगा नहीं अभी तक, और आगे की टेक्नोलॉजी आगे देखी जाए कैसे है। आदमी ज़्यादातर इस मशीनों को इसलिए ले लेता है कि कम जगह में लग जाती है, तो कम जगह में वो भी लग जाएगी, जैसे इसका फाउंडेशन है वैसे बनाना पड़ेगा। और आपको अगर कहीं पे असेंबल करवाना हो, मशीनें नहीं लगानी हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इस मशीन के लिए सलाह मशवरा कुछ भी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मशीन बांधने के बाद आप इसकी रफ्तार भी देख सकते हैं, कैपेसिटी भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये जो हमारे अंकल जी अंकल जी हैं, तो वो भी खुश हो गए मशीन की रफ्तार देख के और काम देख के। तो इन्होंने हमें इनाम भी दिया 1000 रुपीज़ का, जो मेरा बन रहा था उस 1000 फालतू दिया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और जानकारी के लिए कमेंट करें। हमारी दी गई हुई जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। ये जिरकपुर का एड्रेस दिया हुआ है, और आपको अगर शुद्ध सरसों का तेल चाहिए तो यहाँ पे जाकर आप अपने घर में शुद्ध सरसों का तेल ला सकते हैं, और आप अपने घर परिवार को सभी को सेहतमंद रख सकते हैं। कोई सस्ता तेल लेने से घर में अच्छा सब्जी नहीं बनता, और ये शुद्ध सरसों के तेल से बहुत अच्छी सब्जियां बनती है। तो आप भी जाएं और ले, सबको सेहतमंद बनाएं। जय हिंद भाइयों।